नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि माता रानी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जी दोस्तों, दोस्तों आप सभी को बता दें कि आज का यह वीडियो आप सभी के जीवन काल के लिए और आने वाले 10 दिनों के लिए जीवन के सबसे बड़े अच्छे समय साबित होने वाले हैं। जी दोस्तों, आने वाले 10 दिन 28 जुलाई से लेकर 7 अगस्त का समय। जी दोस्तों, ध्यान सुनिएगा, यह 10 दिन आपके जीवन काल के सबसे बड़े महत्वपूर्ण समय साबित होंगे। जी दोस्तों, और आज के इस वीडियो में हम जो जानकारी आपको देने वाले हैं, अगर आप इन्हें ध्यान से सुन लेंगे, एक प्रकार से कहें दोस्तों, इस वीडियो में सभी जानकारी ही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगर आप इन्हें शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे तो दोस्तों आप अपने जीवन काल में आने वाले इन 10 दिनों में एक नया ही कीर्तिमान को स्थापित कर लेंगे, जिनमें सिर्फ आपके जीवन काल में खुशियाँ होंगी, नहीं कोई परेशानी होगी, दुश्मनों से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों ऐसी जिंदगी इन 10 दिनों में आप शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब आप सभी के ऊपर निर्भर है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आज का यह वीडियो ग्रहों की पूरी विश्लेषण और पंचांग की गणना करने के बाद विशेष तौर पर आप सभी के लिए बनाया गया है। दोस्तों आने वाले 10 दिनों के अंदर आपके जीवन काल में आपको कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है, किन किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली है, शादी कौन से उपाय को यश में करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इन सभी के बारे में हम पूरे विस्तार से आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अक्सर आप सभी के मन में यह सवाल उत्पन्न होते रहता है कि आखिर हमारे ही जीवन काल में इतनी परेशानियां भगवान क्यों देते हैं। आपको भगवान से कभी कभार भरोसा ही उठ जाता है, आप कहने लगते हैं कि भगवान ही नहीं है, नहीं तो हमारे यह दुख तो वह झेल ही लेते। जी दोस्तों, हमारी वह दुख को देखकर हमें समस्याओं को समाधान जरूर देते। दोस्तों इस प्रकार के कई प्रकार के सवाल आप सभी के मन में उत्पन्न होते रहते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आप सभी को बता दें कि ईश्वर जो है वह एक सच्चा विश्वास है। जी दोस्तों, अगर आप किसी पर विश्वास करते हैं तो दोस्तों आपको विश्वास ही करना है। जी दोस्तों, ईश्वर ने खुद यह बात कही है कि ना मैं तेरे आगे हूँ, ना मैं तेरे पीछे हूँ, मैं तो तेरे दिल के विश्वास में हूँ, अगर तुम मुझे चाहोगे तो मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। जी दोस्तों, दोस्तों हम आप सभी से बस यही निवेदन करेंगे कि दोस्तों जब भी आप बहुत ही ज्यादा संकट समस्याओं से जूझ रहे हो और आपको कोई समस्याओं का समाधान नहीं मिल पा रहा है, तो दोस्तों ऐसे में आप बिल्कुल भी ना घबराए और ईश्वर का स्मरण करें कि दोस्तों ईश्वर भी हमारे परीक्षा लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी को बता दें कि जब भी हमारी परीक्षाएं चल रही होती है तो दोस्तों शिक्षक क्लासरूम में बिल्कुल ही चुपचाप रहते हैं। जी दोस्तों, इसी प्रकार ईश्वर भी जब हमारी परीक्षा लेते हैं तो दोस्तों वह चुपचाप रखते हैं। जी दोस्तों, और इसी के साथ दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि आप भगवान के परीक्षा में पास हो चुके हैं। आपने जितने भी दुख झेले हैं, जितने भी संकट समस्याओं का सामना किया है दोस्तों, उन पर ईश्वर की पैनी निगाहें थी, और यश में ईश्वर आपको बहुत ही बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। तो दोस्तों उन खुशखबरियों के बारे में हम पूरे विस्तार से बात करेंगे। तो दोस्तों दिल थाम कर वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले दोस्तों जो भी भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दें। भगवान श्री कृष्ण का श्रीम आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, तो आए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान से, बहुत ही महत्वपूर्ण विचार से, जो कि दोस्तों आप सभी के जीवन काल में बिल्कुल ही सटीक बैठती है। आप यह गलतियां करते रहते हैं, तो दोस्तों इन बातों को आप गौर से सुने और इन्हें अपने जीवन काल में जरूर प्रयोग करें। जी दोस्तों, आप अक्सर अपने जीवन काल में सोचते रहते हैं कि हम अच्छे होंगे तो लोग भी हमें अच्छे ही मिलेंगे, पर सच तो यह है कि हम जितना ज्यादा सच्चे और अच्छे होंगे लोग हमारा उतना ही ज्यादा फायदा उठाएंगे। इसलिए दोस्तों न ही ज्यादा सच्चे बनो और न ही ज्यादा अच्छे बनो, जैसे लोग मिले वैसे ही बनो। कि दोस्तों आप यह बात जानते हैं कि पिछले समय समस्याओं में कौन से लोग आपके साथ थे और कौन से लोग आपके साथ नहीं थे। तो दोस्तों इन बातों को आप गौर से अपने जीवन काल में याद रखें। अगर दोस्तों यह बातें आपको अच्छी लगी हो या बातों को आप समझ पाए हैं तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्ण राधे राधे। तो आए दोस्तों इसके साथ बात करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से अब आप सभी के जीवन काल में 28 जुलाई से लेकर 7 अगस्त का समय
कौन कौन सी बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली है। दोस्तों दिन उन्नति कारक है, आपकी प्रतिभागता के अनुरूप आपको अपने कार्यों के उचित परिणाम प्राप्त होंगे। काम काज व फिर करियर को महत्व देंगे, परंतु पहली प्राथमिकता आपकी परिवार ही रहेगी। दोस्तों यश में संतान की विवाह को लेकर कुछ योजनाएं व फिर गतिविधियां रहेंगी। दोस्तों यश में दोपहर के बाद का कुछ समय हानिकारक रहेगा, मन में बेचैनी सी महसूस होगी। किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले अच्छी तरह से उन्हें अवश्य पढ़ लें। बच्चों की जिद्दी व फिर अड़ियल रवैया आपको चिंता में डाल कर सकता है। और दोस्तों यश में युवा वर्ग को अपने लक्ष्य के लिए जो है ज्यादा एकाग्र रहने की आवश्यकता होगी। वही दोस्तों आज के दिन खुद के द्वारा खुद पर ही डाले गए बंधनों से आजाद होने की कोशिश करें। दोस्तों सीमित दायरे में रहकर आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति आपके बारे में औरों द्वारा बोली गई बातों से बनी है, इसलिए दोस्तों इन्हें वास्तविक समझने की गलती ना करें। इसके कारण दोस्तों यह समय आपके लिए जो दिन होंगे, दोस्तों आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम देंगे। साथ ही अपनी जो भी आपकी हॉबी है, हॉबी संबंधी कार्यों में यश में आपकी रुचि रहेगी। घर के बड़े बुजुर्गों का स्नेह और आशीर्वाद यश में आपके ऊपर बना रहेगा। सामाजिक कल्याणकारी संस्था में आपके उत्तम योगदान की वजह से आपकी वाही वाही तथा प्रशंसा होगी। इसके बाद दोस्तों यह समय दूसरों के पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप करने तथा किसी प्रकार की आलोचना करने से आप स्वयं ही मुसीबत में पड़ सकते हैं। पारिवारिक मसलों में आपको जो है संजीदगी तथा गंभीरता से काम लेने की आवश्यकता होगी। दोस्तों यश में वाहन संबंधी खर्चों की अधिकता रह सकती है। इसके बाद दोस्तों यश में आपके जो दिन होंगे, जीवन में आगे बढ़ते समय आपको सबके प्रगति के साथ अपने आप पर निर्भर होने की आवश्यकता होगी। आपको नेतृत्व गुण की वजह से लोग आपके पास जो है सलाह लेने भी आ सकते हैं। दोस्तों आज के दिन खुद के काम को नजरअंदाज करके दूसरों को काम करने की बिल्कुल ना सोचें। वही दोस्तों यह समय कोई शुभ समाचार मिलने से मन में प्रसन्नता भी बनी रहेगी। रुपये पैसे की आवक के लिहाज से समय की जो गति है यह आपके पक्ष में होगा। परिवार के साथ किसी धार्मिक अथवा सामाजिक आयोजन में भाग लेने का अवसर भी प्राप्त होगा। विवाह योग्य व्यक्तियों की विवाह की बात भी यश में आगे बढ़ेगी। परंतु दोस्तों दिन के दूसरे पक्ष में कोई अप्रिय सूचना या फिर संदेश मिलने से मन जो है व्यथित रहेगा। दोस्तों यह समय पिता पुत्र से किसी प्रकार की वैचारिक मतभेद रह सकता है। विद्यार्थियों की पढ़ाई में व्यवधान आएंगे, जिद अथवा आवेश में वे अपना नुकसान कर सकते हैं। तो दोस्तों यह समय संभल कर रहे। इसके उपरांत यह समय आप जो है काम और परिवार में योग्य संतुलन बनाकर रखें। घर और काम संबंधित जिम्मेदारियां आप निभा पाएंगे। दोस्तों जिम्मेदारियां निभाते वक्त आपकी जो आपके प्रति जो जिम्मेदारी बनती है, इस बात को ध्यान में रखें, खुद की पसंद नापसंद दूसरों पर यश में ना थोपे। यश में दिल के बजाय आप दिमाग से काम लें, ये आपके लिए आवश्यक होंगे। दोस्तों यश में ग्रह स्थिति आपके पक्ष में बनी हुई है, अतः अपने काम को पूरी गंभीरता व फिर संजीदगी से आप अंजाम दें। भविष्य को लेकर कोई भी सकारात्मक योजना यश में बन सकती है। राजकीय कार्यों को सुलझाने के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेनी आवश्यक होगी। दोस्तों आपके कुछ नजदीकी लोग ही आपके खिलाफ कुछ नकारात्मक वातावरण बनाएंगे, परंतु दोस्तों यह समय इसका कुछ भी दूषित परिणाम आप पर हावी नहीं हो पाएगा। खर्चों की अधिकता यश में बनी रहेगी। इसके कारण दोस्तों यह समय आपके लिए जो दिन होंगे, दोस्तों सेहत ठीक ना रहने की वजह से मानसिक रूप से आप थोड़ा सा कमजोर महसूस करेंगे, मन किसी बात से संतुष्ट नहीं रहेगा। लेकिन दोस्तों यह समय लक्ष्य की प्राप्ति के बारे में अधिक ना सोचें, जितना हो सके उतना वर्तमान में रहकर जीने की कोशिश करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके बाद दोस्तों आज के दिन अगर आपके करियर को लेकर बात करें, तो दोस्तों यह समय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, काफी समय से रुकी हुई व्यावसायिक गतिविधियां अब सुचारू रूप से चलेंगी। प्रतिद्वंदियों की जो गतिविधियों को यह समय आप नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। ऑफिस में अपने ही जो है काम पर ज्यादा ध्यान देने की आपको जरूरत होगी। यश में बॉस की नाराजगी सहन करनी आपको पड़ सकती है। इसके बाद दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों काम संबंधी जिम्मेदारियां बढ़ने की वजह से मानसिक तनाव भी यह समय रख सकता है, या फिर ज्यादा ओवर टाइम भी यश में आपको काम करना पड़ सकता है। इसके बाद दोस्तों कार्य क्षेत्र में पूर्व में ही की गई मेहनत के उत्तम परिणाम यश में आपको हासिल होंगे। लोग आपकी बुद्धिमत्ता पर कार्य क्षमता के कायल हो जाएंगे। युवाओं को जॉब और फिर करियर से संबंधित कोई शुभ समाचार मिलने की भी संभावना बढ़ रही है। परंतु दोस्तों किसी राजकीय मामले में परेशानी बनी रहेगी। ऑफिस में कामकाज को पूरी लगन से करने की यश में आपके लिए आवश्यकता होगी।
इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, कार्य क्षेत्र में किसी भी अपरिचित इंसान की डील करते समय अधिक सावधानी बरतें, अन्यथा आप और किसी साजिश या फिर षड्यंत्र के शिकार भी यह समय हो सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को हल्की फुल्की परेशानियां तो आएंगी, परंतु दोस्तों बुद्धिमत्ता तथा विवेक से आप सभी परेशानियों का हल भी शांतिपूर्ण तरीके से ढूंढ लेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो दिन होंगे, मानसिक तनाव का असर आपके काम पर भी यश में दिख सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, कुछ नए व्यावसायिक अनुबंध भी यश में आपको प्राप्त होंगे जो आगे चलकर आपके लिए लाभदायक साबित होंगे। दोस्तों पार्टनरशिप संबंधी कार्यों में किसी विषय पर वाद विवाद होने की स्थिति भी बन सकती है। चल अचल संपत्ति में निवेश करने से पहले यश में सोच लें, यह आपके लिए उत्तम होगा। ऑफिस में तबादला अथवा किसी प्रकार के नुकसान होने से आपको भय रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यह समय अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो ये दोस्तों यह समय आपकी लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, पारिवारिक सुख शांति बनी रहेगी। प्रेम संबंधों का पारिवारिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव भी यह समय पड़ सकता है, इसलिए दोस्तों यश में सावधान रहें। दोस्तों यश में रिलेशनशिप से जुड़ी जो भी जिम्मेदारियां हैं यश में आपके ऊपर बढ़ सकती है। इसके उपरांत दोस्तों आज के दिन यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, घर परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए शॉपिंग संबंधी कार्यों में समय व्यतीत होगा, जिससे घर के सदस्यों के बीच खुशी भरा माहौल रहेगा। आपकी किसी परेशानी में नजदीकी मित्र की सहायता मिलेगी। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लव लाइफ के लिए जो दिन होंगे, दोस्तों यह समय पारिवारिक माहौल सुखद बना रहेगा। प्रेमी या फिर प्रेमिका के लॉन्ग ड्राइव या फिर डेटिंग पर जाने का अवसर बनेंगे, तथा दोस्तों परिवार में आपका वर्चस्व यह समय बना रहेगा। दोस्तों यह समय कामकाज और पारिवारिक जिम्मेदारियों में बेहतर तालमेल बना रहेगा। पति पत्नी के संबंध यश में मधुर रहेंगे। प्रेम प्रसंगों में भी किसी प्रकार की गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है, तो दोस्तों यह समय इनको लेकर सावधान रहें। अपने प्रेमी से या फिर किसी से बात करते समय यश में आपको अपने वाणी पर संयम रखें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, स्वास्थ्य आज के दिन अति उत्तम बना रहेगा। यश में किसी प्रकार की चोट लगने तथा गिरने की आशंका भी लग रही है, इसलिए दोस्तों यश में आप स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी जरूर बरतें।